नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्तपंत। घोड़ी पर नहीं, कार पर भी नहीं, पैदल भी नहीं, बग्घी पर भी नहीं, आखिर बारात निकली कैसे, आप खुद देखिए। पहले एक बारात जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दूल्हे ने किया ही कुछ ऐसा है कि होने लगी चारों तरफ चर्चा। जो बुलडोजर माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चलता था, जिस बुलडोजर को देखकर अवैध निर्माण वाले थर थर कांपते थे, उसी बुलडोजर को देखने जमा हो गई सैकड़ों की भीड़। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, तो खुद देखिए। एक दूल्हा बुलडोजर पर अपनी ही बारात लेकर पहुंच गया। गौर से देखिए इस बुलडोजर को और उसमें बैठे दूल्हे और दूल्हे की साली को। जिस तरह से शादी में दुल्हन सजती है, कुछ इसी तरह बुलडोजर भी सजा हुआ है और बुलडोजर पर दूल्हा अलग अंदाज में नजर आ रहा है। वाक्या गुजरात के नवसारी का है, जहां बुलडोजर पर बारात निकली तो देखने वाले दंग रह गए। बुलडोजर पर बैठा दूल्हा कलियारी गांव के आदिवासी घोड़िया समाज के केन पटेल है। उन्होंने अपनी बारात बुलडोजर पर ही निकाल दी। बताया जा रहा है कि केयूर ने कुछ समय पहले पंजाब में एक दूल्हे को बुलडोजर पर बारात निकालने का वीडियो देख लिया था। बस तभी से उसने अपनी बारात भी बुलडोजर पर निकालने की ठान ली और गुरुवार का दिन था। गुरुवार के दिन उन्हें अपनी शादी पर ये मौका भी मिल गया और बुलडोजर पर उन्होंने अपनी बारात भी निकाल ली। डीजे की धुन पर नाचते बराती और बुलडोजर पर बैठा दूल्हा और दूल्हे की बहन भी डीजे की धुन पर नाचते हुए दुल्हन के दरवाजे तक पहुंची, जिसे देखकर लोग हैरान थे। लोग इस अनोखी बारात का वीडियो बनाने लगे। गुजरात के नवसारी में ये बारात गाड़ी या रथ पर नहीं गई, बल्कि जेसीबी पर निकली, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। जब बारात पहुंची तो देखने वाले भी बारात लाने के इस अनोखे तरीकों को देखकर बेहद खुश हो गए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया, तो पूरे देश में बाबा के बुलडोजर की खूब चर्चा होने लगी। और अब वही बुलडोजर शादियों में शोभा बढ़ा रहा है और गर्व से दूल्हा कह रहा है कि मैं तो बुलडोजर वाला दूल्हा हूँ। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।